भोजपुरी की नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नरेंद्र मोदी के बारे में आखिर क्या बोली खेसारी लाल यादव की बेटी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बेटी कृति के बारे में, जिन्होंने अपनी इतनी छोटी उम्र में ही झंडे गाड़ दिए। उन्होंने खाली में एक फिल्म में काम किया था, जिस फिल्म का नाम था दूल्हा गंगा पार में। 21 लाख रुपए में फिल्म साइन की थी। फिल्म काफी बड़ी मात्रा में सुपर डुपर हिट थी। लेकिन दोस्तों, इस बीच दिए गए इंटरव्यू के बाद खेसारी लाल यादव की बेटी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से इस बात पर गुस्सा हूँ कि वो बिहार के लिए कुछ नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी पीएम है तो देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि हम लोग उनका नाम रटे। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात सामने आती वो ये है, हाल ही में खेसारी लाल यादव जी ने नरेंद्र मोदी की बुराई की थी। उन्होंने कहा था बिहार के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, ऐसी बहुत सी बातें जो कि सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई थी। नरेंद्र मोदी बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ बहुत सारी बातें कही थी खेसारी लाल यादव नरेंद्र मोदी को। लेकिन उसके बाद ही नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ का कोटा पैकेज दिया, ताकि बिहार के वासी कुछ दिनों तक राहत बचाव कर सके। उस पैकेज का नाम भी रखा गया था राहत बचाव पैकेज। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आती वो ये है, खेसारी लाल यादव की बेटे ने इस बात पे मोदी जी की निंदा की। उन्होंने कहा है कि मैं यही चाहूंगी, मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो देश के लिए जितना हो सके उतना बेहतरीन करें, ताकि हम अगला वोट भी उन्हीं को दें।